तो थोड़ा सा और कर लें आगे, थोड़ी सी एक चीज और देख लें, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। आर, एल और सी। आर पहले हमने कैपेसिटर लिखा है, आर सी और फिर एल, ठीक है। मैंने ये बनाया वोल्टेज वेक्टर, तो वोल्टेज और करंट दोनों, बल्कि मैं वोल्टेज को बना रहा हूं रेड से, ये वोल्टेज हो गया और ये क्या हो गई बताओ, आई आर हो गई, है ना, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में है, जहां वोल्टेज है वहीं करंट भी है। ये क्या हो गया, ये आपका बन गया वी आर। अब मैंने कैपेसिटर के भी वोल्टेज वैसे ही बना लिए, यहां मैं बना रहा हूं ये वोल्टेज है किसका, वी सी, लेकिन करंट कैसी बताना जरा, करंट कैसी है, करंट वोल्टेज से आगे चल रही है। तो मैं अगर यहां इसी में करंट की वैल्यू, करंट का वेक्टर बनाने लगूं तो क्या बनेगा, ये दिस इज व्हाट, आई सी, ठीक है। फिर मैंने यहां बनाया ये वेक्टर, बनाया मैंने वीएल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, लेकिन इंडक्टर में करंट कैसी है, इंडक्टर में करंट पीछे है, किससे पीछे है, इंडक्टर में करंट पीछे है किससे, वोल्टेज से। तो फिर कितना आएगा, ये बनेगा क्या, आईएल। ये एक्चुअली मैंने एरो कहां से बनाए हैं, मैंने ये जो वोल्टेज वाला एरो है, इस वोल्टेज वाले एरो को मैंने यहां ले लिया बिल्कुल एक्स एक्सिस पर। तो फिर आईसी वाला कहां जाएगा, वाई एक्सिस पर आ जाएगा पॉजिटिव पर, और ये आईएल वाला घूम के कहां जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ जाएगा। और आईआर कहां आएगा, आईआर तो इसके साथ साथ एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, अब देखते हैं कौन, थोड़ा सा मैं पूछने वाला हूं आपसे कौन बता सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना ध्यान से, मैं करंट को बना रहा हूं यहां, दिस इज द करंट आई, ठीक है, आई आर भी यही है, आई सी भी यही है, आई सी भी यही है और आई एल भी यही है, ये आई आर, ये आई सी और ये आई एल। तो अब जरा मुझे बताओ कि इसमें वोल्टेज कहां बनाऊंगा, इसमें मैं वोल्टेज कहां बनाऊं, इसी के ऊपर बना दूं वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होते हैं। ये बन गया आपका क्या, वी आर। अब इसमें बताओ जरा कैपेसिटर में कैसे बनाऊं, कैपेसिटर में कैसे बनाऊं इस करंट को, कैपेसिटर में करंट कैसे बनाऊं, यही बना दूं इसी के ऊपर, सॉरी वोल्टेज कैसे बनाऊं, ये तो करंट मैंने बना रखी, वोल्टेज कैसे बनाऊं, अब नीचे बनाऊं, वोल्टेज नीचे लूं, है पक्का कंफर्म, बिल्कुल सही बात है, एकदम बिल्कुल सही कहा आप सबने। देखो ये कैपेसिटर है ब्लू वाला मैंने बना रखा, ये आई सी है ये, और ये वी है। अब मैंने यूं घुमाता गया कि आई सी तो यहां पर है एक्स एक्सिस पर, तो फिर वी सी कहां जाएगा, वी सी बिल्कुल वाई एक्सिस पे निगेटिव में चला जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया आंसर आप सबका, ये बना दिया, क्या बना दिया, ये बन गया वी सी। हम क्या कहते हैं करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेस एंगल पाई बाय टू, या फिर क्या कहें, वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय फेस एंगल पाई बाय टू। तो अगर हमने यहां बना रखी करंट, तो इसके पाई बाय टू पीछे 90 डिग्री पीछे क्या बनाना पड़ेगा, वोल्टेज बनाना पड़ेगा। इसमें कैसे बनाऊंगा जरा बताना, इसमें बनाना पड़ेगा मुझे इससे लीड करते हुए, ये बन गया क्या, बन गया ये बन गया आपका VL। बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस करने में, बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप आगे कंपटीशन की स्टडी करना चाहते हो, इन सब चीजों की बहुत हेल्प मिलेगी। इतनी बात क्लियर हुई है, भाई नोट्स में ना तो ये वाली टेबल है, ना ये वाला ग्राफ है, ना ये वाला ग्राफ है, ये लेटेस्ट वर्जन है एसी का, कोरोना वर्जन। तो अब इसे कैसे करोगे आप बताओ, कोई है इतना हिम्मत वाला जो इसे घर जाके अपने आप बना ले?